सपा विधायक राहुल लोधी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। सपा विधायक राहुल लोधी उनके भाई समेत टीम पर दर्ज हुआ मुकदमा। नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए ऐंठने का आरोप। FCI में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए ऐंठने का आरोप। हरचंदपुर विधानसभा से सपा विधायक है राहुल लोधी, रुपए मांगने पर धमकी देने का भी सपा विधायक पर लगा आरोप। पीड़ित राम नरेश की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। खीरो थाने में दर्ज हुआ सपा विधायक समेत 3 लोगों पर मुकदमा। जंगली प्रसाद, जंगली प्रसाद क्या मामला है, काहे लिए प्रस्तावन कर रहे हो, क्या बात है, कौन मुद्दा है? ये साहब ऐसा है कि कहन नौकरी के पैसा दे दो, तुम्हारे लेकर नौकरी लगा देना, कहना हम विधायक हो गया ना, तुम्हें पैसा दे नौकरी हम लगा दे रहे हैं, लड़के को हम समझो जेवर और खेती सब जितना पैसा ले रहे हैं। कौन विधायक था नौकरी लगाने की बात कर रहा था? हैं कौन सा विधायक नौकरी लगाने की बात? राहुल। कौन राहुल? राहुल लोधी। कहाँ के विधायक हैं? हरचंदपुर। फिर उसके बाद पहले दिया पैसा, उसके बाद फिर वो कार्ड वार्ड सब दे दिया कि नौकरी मिल गई सब, फिर पैसा दो, फिर समझ लो उसकी सामान सब बेच के हमने पैसे दे दिए। कितना पैसा दिया नौकरी के लिए? यानी कितना पैसा दिया नौकरी के लिए? ये 9 लाख हमारा रह गया। 16 लाख बता रहा है? हाँ 15 लाख था। 9 लाख क्यों वापस हो गया? वो 4 कितने वापस कहें, आप लड़के जाने लड़के को देते रहे, हमको तो देते नहीं रहे। 4 लाख वापस किया आपने? नाम क्या? नहीं नहीं, तो फिर आप 15 लाख का बता रहे बच्चा, आपने 15 लाख दिया, 9 लाख का चेक, 9 लाख बचा है, 9 लाख हमारा बचा है, 4 लाख वापस कर दिया है, 9 लाख का चेक दिया उन्होंने। हाँ कार्रवाई तो हो गई है। हाँ अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? साहब हमारा पैसा वापस। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लोधी, विधायक हरचंदपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रायबली जनपद में, चाहे हमारी समाज को नहीं, किसी भी अन्य समाज का हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे अन्य दल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर इस पंचवटी परिवार के खिलाफ किसी ने बोला है तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा दिया गया है खुलेआम। और जिस प्रकार से हमारे विधानसभा में हो, चाहे और भी किसी विधानसभा में हो, प्रधान हो, BDC हो, जिला पंचायत हो, चाहे कोई भी हो, कोई सम्मानित व्यक्ति हो, अगर किसी विधायक के साथ बैठ जाए तो मुकदमा लिखा दिया जाए। अभी हाल ही में मैं DGP सर से मिला था, यहाँ के लोगों से मैं मिला, जनता जिस तरह परेशान है, मुकदमा लिखाए जाते हैं। आज कई लोगों की ज़मीनें, बछराव में कई लोग थे, उनकी ज़मीनें कब्जा हो गई, इन्हीं के परिवार के लोग थे, आज जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये पूरे बेबुनियाद हैं। जिस राम नरेश की बात करते हैं वो पारिवारिक है हमारे, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। STF द्वारा पहले ही इस FCI में जो दोषी थे उनको जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम सब एक समान हैं, एक ही थाली में खाना खाने वाले लोग हैं। बस हम आपसे चाहते हैं कि इस परिवार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उस परिवार को हमेशा जेल जाना पड़ेगा, उसको मुकदमे झेलना पड़ेगा। तो हम घबराने वाले लोग नहीं हैं, अवंती बाई लोधी के वंशज हैं, और उसके लिए हम, मेरे पापा ने अपने समाज के प्रति जान दे दी तो हम भी तक जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने समाज के लिए, चाहे ठाकुरों पे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, चाहे ब्राह्मणों पे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से मुकदमे, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, इन सब पे मुकदमे लिखा करके ये अपनी जो वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इनके जिस प्रकार से मैं, इनके भ्रष्टाचारों को अभी घोटाला हुआ, बीज घोटाला, चाहे आलू का घोटाला हो, जिस प्रकार घोटाला हुआ, जो यादव समाज पे, हिंदू समाज पे इन्होंने बोलने का काम किया, ये हिंदू समाज की बात, ये अपने बैकवर्ड समाज की बात हो रही है, ये बोलने का काम हुआ। आज मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये लोग हमेशा अपनी बात न कहे हैं, न कभी कह पाएंगे, समाज को नुकसान पहुँचाने का हमेशा काम करते रहेंगे, उसी प्रकार से मैं पहले भी इनके खिलाफ बोलता रहूँगा और आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हमेशा बोलूँगा, हमेशा बोलता रहूँगा। चाहे मेरे लिए पद इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरी जनता की सुख दुख इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं जनता के बीच हमेशा जाता हूँ, आज भी जनता के बीच जाने का काम करूँगा, और ये जो आरोप लगाए जा एकदम झूठे और निराधार है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नरेश, क्या हुआ आपके साथ में? क्या हमारे साथ हुआ है कि हरचंदपुर के राहुल लोधी विधायक ने नौकरी के नाम पर पैसा ले लिया, पैसा मांगने पर वो पैसा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए सर आप लोगों की मदद लेनी पड़ रही है। कब पैसा दिए थे, क्या मामला था? सर पैसा नौकरी के नाम पे दिए थे 2017। किसको? राहुल लोधी को, विधायक।
अच्छा ठीक है, किस की नौकरी के लिए दिया था भैया? चुनाव के टाइम वही पैसा भी चलेगी। किस चीज की नौकरी, किस में नौकरी, किस पद पे? FCI में नौकरी देने के लिए। अच्छा, पैसा, इतना पैसा कहां से आया था आपके पास? सर बैंक से 6 लाख का CC कार्ड CC बनवाई थी, 2 लाख का पापा का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था, बाकी सर 2 लाख 3 लाख रुपया घर पे। उसकी जब ये चुनाव लड़ रहे थे आपने तब मदद की थी क्या उसकी? जी, तब साथ में थे आप राहुल लोधी के? साथ में राहुल लोधी के साथ ही थे जब चुनाव था? जी साथ में उन्हीं के साथ थे, विधायक बिरादरी के थे, हमने नौकरी के लिए उनको। तो उनके चुनाव में मदद भी की थी ना? जी जी जी। कितना रुपया दिया था? सर उनको दिया था 15 लाख चुनाव में। जी। फिर नौकरी में कितना दिया? सर दोनों में, दो नौकरी में नहीं दिया। अच्छा, वो चुनाव में नहीं दिया। अब नौकरी के लिए भैया, अब FIR आपकी हो गई है, अब क्या चाहते हैं? सर हमारा पैसा हमको मिल जाए बस। अच्छा ये बताइए, कहीं और उनको सजा मिले? कहीं पर ज्वाइनिंग हुई थी, लेटर वगैरह मिला था? जी जी सारे सारे ज्वाइनिंग हुई थी। कौन सी जगह ज्वाइनिंग हुई थी? FCI 12 बंकी। सर वहाँ से कहें ताल कटोरा लखनऊ आप ज्वाइन करिए, वहाँ आए, वहाँ किसने कहा ज्वाइन करने के लिए? वहीं इन्हीं के आदमी लेके गए। चलो राहुल लोधी, उसके बाद क्या कहा? जी बात भी डालू जी। सर बात ही नहीं करते, फोन ही नहीं उठाते। आप बता रहे थे धमकी हमकी दे रहे हैं। जी कहते हैं कि कहीं जाओगे जो उखाड़ना उखाड़ लो, नहीं तो तुमको भी बताएं। जब आप पुलिस के पास गए तब आपकी स्थानीय पुलिस FIR नहीं लिख रही थी? जी। तब आप गए DGP के पास? जी। पूरी बात आप बताइए ना। जी, क्या हुआ? एप्लीकेशन सर थाने लेके गए, नहीं लिए, तो फिर हम लाइब्रेरी गए, वहाँ लखनऊ गए DGP कार्यालय, फिर उसके बाद वहाँ मेरी सुनी गई, फिर सर उसके बाद यहाँ आए आज रात। FIR लिखी गई, आपको पता है FIR लिख गई है विधायक के खिलाफ? पता है? लिख गई, लिख गई, फोन आया था सर। आपने शिकायत किया था यहाँ? जी हाँ, काम शिकायत